नमस्कार, खबर हार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नतीजों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। डीके शिवकुमार का कहना है कि इस बार इंडिया ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि एनडीए को करीब 200 सीटें मिलेगी। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर संगठन के सभी योगी दल एक साथ बैठक में फैसला लेंगे, क्योंकि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। इंडिया अलायंस इज विनिंग ऑलमोस्ट 300 सीट्स वी आर विनिंग इंडिया अलायंस एंड एनडीए विल बी अराउंड 200 सीट्स। वी बिलीव इन कलेक्टिव लीडरशिप। अर्लियर ऑल्सो वेन यूपीए केम, you are in a collective leadership. The entire parliament members of the country decided Sonia Gandhi should be the prime minister of this country. They all gave a letter to Abdul Kalam ji, who was a minority as a president, my president. Then Sonia Gandhi decided that in the better of the country, an economy should be the prime minister of the country. So she being a minority woman married to a Hindu family, asked an invitation by a president of India, then she gave to a sick man, a minority, an economist to save this country. That is why we believe in the collective leadership. We are fighting on the collective leadership. We will win the election. Then we will all join together. We will discuss together. We would like all your support. We will form the government and we will have a leadership. तो आपने देखा कि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि चार चरणों के मतदान के बाद ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर 4 जून को देश की जनता क्या फरमान सुनाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।